खबर उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी से, जहां पर पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, दो गिरफ्तार एक फरार। खीरी जिले में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक बदमाश के पैर में मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है, जिसमें एक बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली की रामापुर चौकी क्षेत्र में क्राइम ब्रांच व रामापुर चौकी प्रभारी द्वारा मुखबिर की सूचना पर चौकी क्षेत्र में पंगी खुर्द पलिया के पास बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, वहीं दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा बदमाश रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। बता दें कि मुखबिर से सूचना मिली कि रामापुर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत पंगी खुर्द के पास मौजूद कुछ बदमाश किसी आपराधिक घटना को वारदात देने जा रहे हैं। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच व चौकी प्रभारी रमवापुर मौके पर पहुंच गए। पुलिस को देखते ही बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में की, जिसमें बदमाश इमरान उर्फ कालिया के पैर में गोली लग गई और वहीं पर वो गिर पड़ा, जबकि दूसरा बदमाश इरफान भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया और तीसरा बदमाश भागने में सफल रहा। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अंतर जनपदीय चोरों का गिरोह जनपद खीरी में एक वारदात को अंजाम देने के लिए आ रहा है। इस सूचना में क्राइम ब्रांच एवं स्थानीय पुलिस की टीम को लगाया गया था। इनके द्वारा एक मोटरसाइकिल पे तीन युवकों को जब इंटरसेप्ट किया गया तो उन लोगों ने पुलिस टीम पे फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी गोली चलाई गई, जिसमें एक अपराधी घायल हो गया है, उसके पैर में गोली लगी है एवं अन्य दूसरे अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है मौके से। एक अपराधी अंधेरे का फायदा उठा के भागने में कामयाब रहा है, जिसकी तलाश में कॉम्बिंग कराई जा रही है। इनके कब्जे से दो देसी तवंचे, तीन जिंदा कारतूस एवं दो खोखे बरामद हुए हैं। ये बहुत ही शातिर किस्म के चोर हैं। इनके द्वारा जनपद खीरी के साथ साथ बहराइच एवं सीतापुर में भी कई वारदातों को अंजाम दिया गया है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में और गहराई से अभी पड़ताल की जा रही है। बाकी जो कॉम्बिंग कराई जा रही है उसमें हमें भी आशा है कि शीघ्र कुछ मिलेगा। सर, जिसको गोली लगी उसका क्या नाम है? गोली लगने वाले युवक जो अपराधी है उसका नाम इमरान है, इमरान उर्फ कालिया। ये थाना तंबोर जनपद सीतापुर का रहने वाला है एवं अन्य जो दूसरा अपराधी पकड़ा गया है उसका भी नाम इमरान है और ये भी तंबोर थाना जनपद सीतापुर का रहने वाला है।